बऱ्हाणपूर जिल्ह्यात आतापर्यंत कोरोनाचे 56 पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळल्याने जिल्हा प्रशासनाकडून काही सक्तीचे आदेश काढण्यात आले आहेत. वाढत्या संख्येमुळे जिल्ह्यातील काही क्षेत्रात कंटेनमेंट एरिया घोषित करण्यात आले असून सील करण्यात आलेले आहे, तर 10 मेपर्यंत कर्फ्यू जारी आहे. जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांपैकी 5 जणांचा मृत्यू झाल्याने जिल्हाधिकारी प्रवीण सिंह यांनी नगर निगमच्या क्षेत्रातील सर्व वार्डांमध्ये 48 सॅनिटायझर मशीनची व्यवस्था करून वार्ड सॅनिटाईज करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. की बुरहानपूर शहर में कोरोना वायरस को लेकर मैसिव सैनिटाइजर एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं और एक्सरसाइज हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. जो हमारी बड़ी मेजर रोड्स है वहां पर आप जो पीछे यूपीएल मशीन देख रहे हैं तो यूपीएल मशीन के जो विंग्स है उस विंग से जो प्रॉपर सैनिटाइजर का छिड़काव होगा. उसके बाद जो गलियां हैं जहां पर ट्रैक्टर जा सकता है वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से वार्डों में छिड़काव होगा. और जो चूंकि बुरहानपुर आप सबको पता है कि छोटा गलियों वाला भी शहर है और उसके अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऐसी सभी सर्वे मोटरसाइकिल के माध्यम से जिसमें एक बंदा ड्राइव करेगा एक बंदा पीछे सैनिटाइजर लेके उसको सैनिटाइज करेगा ताकि हम लोग फास्ट, मतलब हमारे यहाँ 48 वार्ड्स है, उन 48 वार्ड्स को 48 आवर्स में हम एक बार पहले राउंड का सैनिटाइजेशन हम लोग कर लें. उसके बाद जो कंटेनमेंट एरिया है वहाँ लगातार पर डे सैनिटाइज होता रहेगा. तो पहले एक बार पूरा शहर कवर हो जाए, उसके बाद मिनी मिनी पॉकेट्स में जहाँ जहाँ पर एरियाज में संक्रमण आएगा वहाँ पर हम लोग सैनिटाइज कराएंगे. और बेसिकली पब्लिक में भी ये मैसेज जाना चाहिए कि लगातार शहर का सैनिटाइज हो रहा है, हम लोग सुरक्षित हैं. अभी जो केसेज आए हैं उस केसेज के बारे में मैं बता सकता हूँ कि ये केसेज उन्हीं लोगों में आए हैं जो हमारा इंडेक्स केस था उसकी हिस्ट्री है. ये केसेज जो है इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारी मैसिव और फास्ट सैंपलिंग का परिणाम है. हम लोग केसेज को ला रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोरोना अब अचानक से तेज हो रहा है. हम लोगों की टेस्टिंग अब तेज हो गई है और जो भी लोग हैं उनको आ रहे हैं. बुरहानपुर साठी प्रतिनिधि राजू राठौर, इंडिया न्यूज एक्सप्रेस, मध्य प्रदेश.